हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का कार्टून होम यूट्यूब चैनल में। आज मैं इस वीडियो में छठा क्लास में बताने वाली हूँ कि एक ही भाग में जैसे सिंपल ब्लाउज कटिंग कैसे करें। मैं पांच क्लास में बताई थी कि दो भागों में कैसे कटिंग करें, तो दो भागों में बता दिया था हमने। लेकिन जो सिंपल ब्लाउज कटिंग होता है वो एक ही भाग में भी कटिंग करना बिल्कुल ही आसान बात है और इसमें कम मेहनत भी लगता है, बिल्कुल ही आसानी से कटिंग कर लेते हैं। तो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में इसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इससे पहले आप पांच वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए आप शुरू से, तभी आप अच्छे से बिल्कुल समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने जो पेपर लिया है तो एक ही भाग में जैसे कटिंग करना है, तो चलिए हम कटिंग करके बताते हैं। तो जैसे ये पेपर है तो हमें इसे फोल्ड करना है। फ्रेंड्स, इस तरह इसे हम फोल्ड करेंगे। जब एक ही भाग में कटिंग करना होता है तो इसे हम फोर फोल्ड करेंगे इस तरह ऐसे। जो सिंपल ब्लाउज होता है, डिप गला होता है, एक ही बार में हम कटिंग कर सकते हैं। डिजाइन वगैरह वगैरह होता है उसमें हम अलग अलग भाग को कटिंग करते हैं, पीछे और आगे वाले। इसमें हम एक ही बार निशान लगाएंगे। तो जैसे ये पेपर फोल्ड हो गया है फ्रेंड्स, तो इससे फिर सबसे पहले आपको नाप ले लेना है ब्लाउज का। ब्लाउज का नाप लेना सबसे ज़रूरी होता है। जैसे हमने 8 इंच इसका चौड़ाई ली है और बाकी मार्जिन, तो 2 इंच मार्जिन है इसका। ऐसे ही हम नीचे लगाएंगे, तो 8 इंच और बाकी मार्जिन है। और इसका लंबाई देखिए ले लेते हैं, इसका लंबाई 13 इंच है, जिसमें जैसे 12 इंच जैसे हमारा फिटिंग है तो हम बढ़ा कर लेंगे 14 इंच 13 इंच, तभी हमारा ब्लाउज बन पाएगा। इस तरह अभी से हम निशान लगा लेते हैं ऐसे। फिर इसके बाद हमें शोल्डर लेना है। फ्रेंड्स, हम 5.5 इंच लेंगे। इसमें भी आप नाप लगा कर लीजिएगा, और ज़्यादा गला रखना चाहते हैं आप, गले की नाप लगाना है तो ज़्यादा गला चौड़ाई रखना चाहते हैं या कम रखना चाहते हैं तो 2 लीजिए, ज़्यादा रखना चाहते हैं 2.5 लीजिए, तो इसमें हम 2.5 ले रहे हैं। अब गले की लंबाई, तो गले की लंबाई फ्रेंड्स साधारण लोगों की 6 इंच काफ़ी होता है, तो 6 इंच हम लेंगे इसका चौड़ाई लंबाई। और इसके बाद आर्म होल जो हम 5 इंच लेंगे। अब ये गले में गोलाई लगा ले लेना है फ्रेंड्स। इस तरह। अब इसके बाद आर्म होल, इसमें लगाना है गोलाई। जो आर्म होल है फ्रेंड्स, इसमें हमें 1 इंच पे लगाना है पीछे वाला पे, और आगे वाला पे 0.5 इंच पे गोलाई। इसे हम डबल गोलाई लगा लेते हैं अभी इस तरह। आगे वाला क्यों आधा लेना, आधा इंच ज़्यादा लेना होता है क्योंकि आगे जो हमारा आर्म होल के पास कपड़ा इकट्ठा नहीं होता है, झोल नहीं होता है, इसीलिए। तो ये इतना हो गया है। जैसे हमें पीछे वाला निशान लगाना है, हम पीछे वाला गले भी लेना है, तब पीछे वाला गला कितना रखना चाहते हैं उतना लीजिए। हम जैसे 10 इंच ले रहे हैं तो 10 इंच पे, इधर 2.5 इंच था। अगर आप नीचे चौड़ा गला रखना चाहते हैं तो 3 इंच लीजिए। इस तरह। इसके बाद आप गोलाई लगा लीजिए।
ये देखिए गोलाई भी लग गया है फ्रेंड्स। और इसके बाद जो हमें चूना पीछे लगाना है, ये जैसे 8 इंच है तो इसके बीच हम 4 इंच पे लगाएंगे। इस तरह और फिर आधा आधा इंच नीचे से चौड़ा कर देना है। अब ये निशान तो लग गया है फ्रेंड्स, अब हमें कटिंग करना है। तो अब कटिंग कैसे करना है ये देखिए। तो ये आगे वाला गला है पहले जिसे हम कटिंग करेंगे, ये जो पीछे वाला है पहले ये नहीं कटिंग करेंगे, पहले आगे वाला कटिंग करेंगे। फिर इसके बाद आर्म होल कटिंग करेंगे हम। तो ये आगे जो है सबसे ऊपर वाला ये निशान है उस पर हम कटिंग करेंगे। इस तरह तो ये इतना कटिंग हो गया, ये शोल्डर जो है जुड़ा हुआ है, इसे हम पहले कटिंग कर लेते हैं। अब इसके बाद हम पीछे वाला भाग को अलग कर देंगे और आगे वाला अलग कर देंगे। तो ये जो हमने निशान पीछे वाला पे लगाया था, तो ये जो आगे वाला है हमें इसमें कटिंग करना है। तो इस तरह हम इसे आधा आधा इंच गोलाई देके कटिंग करना है फ्रेंड्स। इस तरह ये जो पीछे वाला होता है उसमें नहीं आगे वाला में कटिंग करना होता है, क्योंकि आगे वाला में ही झोल होता है। इस तरह तो ये कटिंग हो गया है जो पीछे वाला है। अब इसका हम गला कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए पीछे वाला कटिंग हो गया है, अभी इसमें निशान भी हमने लगा दिया है। इस तरह हम चाहेंगे तो इसे यहाँ पे कटिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए अब इसमें बचा है आगे वाला, जिसमें हमें सिर्फ कटिंग तो हो गया, ये चूना लगाना है। चलिए हम चूना लगा लेते हैं। तो ये देखिए बारह इंच की फिटिंग था, तो 12 इंच इस तरह निशान लगा लेते हैं, आसानी होगा इसमें। और 8 इंच पे चौड़ाई का फिटिंग था, बाकी इसका मार्जिन था। तो ये बन गया इतना। अब इसके बाद हम निशान लगाएंगे इस तरह। जैसे हमने ये निशान लगाया फ्रेंड्स, अब इसमें इस तरह निशान लगाना है आपको।
तो ये निशान लग गया इसमें। अब इसमें लगाना है। सबसे पहले हम 8 इंच पे फ्रेंड्स देखिए ये हमारा निशान लग गया है। तो ये सिंपल जो ब्लाउज कटिंग होता है इस तरह हम डबल दोनों भागों के एक ही साथ कटिंग कर सकते हैं, अलग अलग नहीं करना पड़ता है। इसमें बस खाली चूना लगाना पड़ता है, वही ज़्यादा इसमें अलग से करना पड़ता है, बाकी चीज़ इसी पे कटिंग हो जाता है जैसे हम पीछे वाला कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह हमारा जो ब्लाउज था उसका कटिंग हो गया है। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। और फ्रेंड्स शुरू से लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।